दोस्तों ये है फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच जो मैंने अभी अपने हाथ पे पहन रखा है। एंड फिटशॉट के स्मार्ट वॉचेस के अंदर ना आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आपने फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच या फिटशॉट के कोई और स्मार्ट वॉच ले रखे हैं लाइक फिटशॉट एस्टर, फिटशॉट क्रिस्टल, फिटशॉट कनेक्ट जो मैंने हाथ पे पहना है, स्ट्रैप्स चेंज कर रखा है मैंने, बट स्मार्ट वॉच वही है। और अगर आपने ये स्मार्ट वॉचेस ले रखा है इस ब्रांड का एंड आपको ब्लूटूथ कॉलिंग करने नहीं आ रहा है ना, तो आज का ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप किस तरीके से अपने फिटशॉट की स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाओगे, ये आपको मैं बहुत ही ईजी वे में आज सिखाने वाला हूँ। ये जो फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच है ना, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है 1500 रुपीज़ के रेंज के अंदर। एंड इस स्मार्ट वॉच के ऊपर मैंने अभी आपको 3-4 वीडियो से ज़्यादा दे रखा है चैनल पर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, फिटशॉट कनेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर बिल्ट इन गेम्स मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाता है, कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, कैलकुलेटर है, पासवर्ड लॉक का फीचर दिया गया है, तो बहुत सारे फीचर्स आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं अनिमेश, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिटशॉट का स्मार्ट वॉच जो है फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच, ये जब शुरू में लॉन्च हुआ था ना फ्लिपकार्ट पे, एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो 3000 रुपए के अराउंड बिक रहा था, बट आपको ये फ्लिपकार्ट के सेल पे ना 4099 रुपीज का इजिली मिल जाता है 1500 रुपए में। इसका मैंने आपको 30 डेज रिव्यू दे रखा है एंड और भी बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये स्मार्ट वॉच अच्छा खासा मेटल बिल्ड बॉडी के साथ आता है, रियल सेंसर्स मिल जाते हैं, इसका आपको जो हार्ट रेट है बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, पेडोमीटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। कैसे आप इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो, चलो बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं इसके ट्यूटोरियल पर। अभी जो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूं ना, ये किसी भी फिटशॉट के स्मार्ट वॉच पे काम करने वाला है। तो ये जो फिटशॉट स्मार्ट वॉच है मत समझना कोई और स्मार्ट वॉच है, मैंने बस इसमें स्ट्रैप दूसरा सा लगाया हुआ है, अलग स्मार्ट वॉच का मैंने स्ट्रैप लगाया है क्योंकि मुझे ये स्ट्रैप अच्छा लग रहा था। बाकी आप पीछे पढ़ सकते हो, ये फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच है हमारा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग करना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है ना कि ब्लूटूथ कॉलिंग करने के लिए आपके स्मार्ट वॉच को अपने ऐप से कनेक्ट होना काफी जरूरी है। तो ये ग्लोरीफिट नाम के ऐप से कनेक्ट होता है एंड इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है चैनल पे। अगर आपको पूरा जानना है कि इस ऐप पे क्या फीचर्स है, कैसे कस्टम वॉलपेपर लगाते हैं, किस फंक्शन को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के इस वीडियो के बाद देख लेना। तो चलो सबसे पहले स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे स्मार्टफोन के साथ। सेलेक्ट डिवाइस पे चलेंगे, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब ये है ना क्या करेगा, ब्लूटूथ ऑन कर लेगा एंड आसपास की डिवाइसेस को सर्च करने वाला है। मैं स्मार्ट वॉच का ब्राइटनेस को फुल कर देता हूं ताकि आपको देखने में अच्छे से विजिबल हो पाए। सो लेट्स सी गाइस, यहां मैंने ऑन कर दिया लोकेशन परमिशन एंड बाकी सब चीज यहां पे आप अलाउ कर देना जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे। तो कनेक्ट नाम से आ जाएगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब क्या है ना, इस अब आपको यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आएगा, पेयर कर देना। या अब हमारा स्मार्ट वॉच जो है ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो गया है एंड इस एप्लीकेशन से भी कनेक्ट हो चुका है। तो ब्लूटूथ कॉलिंग अगर आपको स्मार्ट वॉच से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा एप्लीकेशन के अंदर, ब्लूटूथ कॉल विथ वॉच। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन का यूज कहाँ है मैं बताऊंगा। जैसे आपके मोबाइल फोन पे 200 300 400 500 1000 जितने भी लोगों के नंबर्स है, लेकिन अगर आप सिंक कॉन्टेक्ट करोगे ना तो आपके मोबाइल फोन से अप टू 100 कॉन्टेक्ट्स 100 कॉन्टेक्ट्स जो है वो आपके स्मार्ट वॉच के अंदर सिंक हो जाएंगे। एंड इसके अंदर जो आपको कॉन्टेक्ट्स का एक ऐप देखने को मिल जाता है ना, इसके अंदर आपके 100 कॉन्टेक्ट्स जो है आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे अगर आप सिंक करते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंक कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, नेम भी शो करेगा एंड नीचे उनका नंबर भी शो करेगा। अभी आपको ये हिडन दिख रहा होगा क्योंकि प्राइवेसी के चलते मैंने हाइड करके रखा है। तो अप टू 100 कॉन्टेक्ट्स आपको अपने स्मार्ट वॉच के अंदर दिखने लगेंगे अगर आप सिंक कर देते हो। तो अभी मैंने कर रखा है तो मैं वो प्रोसेस नहीं बताऊंगा। इनेबल ब्लूटूथ कॉल फंक्शन आपको जरूर चेक करना है कि आपने इसे सेट करके रखा हो। तो इसके लिए जरूरी क्या है ना कि आपके ब्लूटूथ के साथ आपका जो स्मार्ट वॉच है कनेक्ट हो। तो देख सकते हो कनेक्टेड टू फोन ऑडियो शो करेगा, और अगर आपका ये नहीं शो कर रहा है तो सेटिंग्स पे चलना एंड यहाँ पे आपका कॉल्स का, ऑडियो का एंड जितना भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा ना, सब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना एंड डिसेबल कर दोगे तो ब्लूटूथ कॉलिंग आप नहीं कर पाओगे। इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपको एक ब्लूटूथ स्विच नाम का एक फीचर देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे, इस कॉल वाले बटन पे क्लिक करोगे, स्विच का ऑप्शन नजर आ रहा है, टर्न ऑफ द ब्लूटूथ स्विच, फोन एंड मीडिया ऑडियो विल बी क्लोज्ड। यानी कि अगर आप चाहोगे कि आपके स्मार्ट वॉच के अंदर ना कोई फोन का मीडिया आए, कोई ऑडियो ना प्ले हो इसके अंदर, तो आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो। और अगर आप चाहोगे कि स्मार्ट वॉच के अंदर आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाओ, यहाँ पे आपको आउटपुट मिले इसके स्पीकर से, तो आप इसको ऑन कर देना। तो मैंने ऑन कर दिया है, बस इतना सिंपल सा प्रोसेस था। अब आपको इस ऐप के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी ये जो फीचर्स है ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। हाँ, अगर आप कॉल रिमाइंडर को ऑन करना चाहोगे तो ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन पे जो भी कॉल आएंगे, जो भी आपको यहाँ पे रिंग आता है ना,
वो आपको यहाँ पे आपके स्मार्ट वॉच के अंदर रिंग एंड वाइब्रेट करके आपको अलर्ट कर देगा। तो ये तो था गाइस एप्लीकेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्वाइप डाउन करो, यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना फोन वाले पे, यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कीपैड, कॉल लॉक्स, कॉन्टैक्ट्स एंड स्विच वाला। स्विच वाला मैंने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा जिसके अंदर आपको सारे कॉन्टैक्ट्स नजर आने वाले हैं, जो जो आप सिंक करके रखोगे या फिर जो जो आप स्पेसिफिक सेव करोगे वो भी आपको यहाँ शो करने लगेगा। कॉल लॉक्स के अंदर आपको ना आपने रिसेंटली किन किन लोगों से बात कर रखा है वो आपको शो होने वाला है। एंड इसके अंदर भी मैंने एक भी लोगों से बात नहीं किया है तो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं शो कर रहा है। एंड लास्टली यहाँ पे कीपैड पे चलोगे तो यहाँ पे आपको ना आप किसी के नंबर को यहाँ पे डायरेक्टली डायल करके भी आप फोन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 123 टाइप किया एंड कॉल कर दिया, मैंने कॉल जा रहा है। देखा आपने, तो 123 पे मैंने कॉल किया, कॉल कट चुका है। इस तरीके से आप किसी से भी बात कर सकते हो, वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। चलो मैं अपने एक किसी कज़न को फ़ोन लगाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बात होती है एंड कैसा इसके अंदर आपको क्लैरिटी देखने को मिलता है। मैं डायरेक्टली नंबर टाइप करूंगा, अभी आपको ब्लड दिखेगा एंड आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा वाइब्रेशन फीडबैक मिलेगा। जब भी आप बटन प्रेस करोगे ना तो ये हर बार वाइब्रेट करता है। एंड कॉल कर देते हैं, कॉलिंग जा रहा है। मैं म्यूट कर दूंगा तो आवाज़ नहीं जाएगा, अनम्यूट कर दूंगा तो मेरा माइक वर्क करेगा स्मार्ट वॉच का। एंड स्पीकर बटन से आप यहाँ पे वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने फुल कर दिया है। हेलो, हाँ विकास भैया, आवाज़ कैसा जा रहा है? जोर से आ रहा है कि धीरे आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है? जोर से ही आ रहा है। जोर से आ रहा है ना। एक स्मार्ट वॉच का टेस्ट कर रहे थे किस तरीके से आवाज़ जाता है, स्पीकर टेस्ट कर रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है, टेस्ट कर रहे थे। तो देखा गाइज आपने, इस तरीके से आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो एंड आप पावर बटन को दबाओगे तो भी कॉल कट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे रेड बटन को भी दबा के कॉल कट कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो एंड वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो कॉलिंग के टाइम पे। लाउडनेस मैंने आपको सुनाया, बहुत लाउड स्पीकर मिल जाता है। मेरे यहाँ पे कैमरा से एंड माइक में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए मैंने आपको सामने करके भी सुनाया एंड काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको शार्प सुनाई देता है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप अपने फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच पर या फिर फिटशॉट के किसी भी स्मार्ट वॉच पर इजिली ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया है जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। परचेस करना चाहो कि बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर परचेस कर लेना है। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।